सलमान जी, मुबारक आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, बहुत जल्दी गए हैं 56। जी हाँ, इतना प्यार पूरे हिंदुस्तान ने और फैंस ने दिया है तो ऑब्वियसली प्रिविलेज फील करते हैं अपने आप को, और बहुत अच्छा लगता है। और आई होप कि ये सिलसिला चलता रहे, जारी रहे। सलमान जी, आज ही मतलब हम आपके बर्थडे पे हर साल आते हैं, सुबह सुबह जो खबर आई वो फैंस के लिए भी थोड़ा दर्दनाक थी, एंड इसीलिए सारे फैंस भी वहाँ आ गए थे क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए सभी को पता चल गई थी। हम चाहते हैं कि आप ही बताएं कि मतलब कैसे कुछ हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ, वो एक कमरे के अंदर सांप घुस गया था। यहाँ पर जंगल में रहते हैं, फार्म हाउस में, तो हमने फार्म हाउस को कोई एकदम बड़ा नहीं बनाया, जैसे था वैसे ही है। तो कमरे के अंदर सांप घुस गया तो बच्चे डर गए थे, तो मैं चला गया तो बोला एक लकड़ी दे दो मुझे, तो लकड़ी आई तो इतनी छोटी लकड़ी आई, तो मैंने बोला लंबी लकड़ी दो, तो फिर एक लंबी लकड़ी आई तो मैंने सांप को उठाया बड़े प्यार से और उसको बाहर लेके आया, और सांप भी बड़ा प्यार से लिपट गया उसके ऊपर। और फिर वो सांप धीरे धीरे लकड़ी चढ़ना शुरू कर दिया, मेरे हाथ पे आ गया, तो मैंने सांप को यूँ ले लिया दूसरे हाथ में और वो लकड़ी छोड़ के सांप को मैंने पकड़ लिया छोड़ने के लिए। तो यहाँ के जितने भी गांव वाले हमारे जो स्टाफ है उनको पता है कि वो कंधारी सांप है, तो उन्होंने ज़ोर से चिल्लाया कंधारी कंधारी कंधारी, तो वो सांप को समझ में आया कि वो कंधारी है, उसको काटना ज़रूरी है, तो उसने मुझे एक बार डसा, फिर सावला 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 के काटा 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 काटा, इतना ज़ोर से एक शोर हुआ तो उसको समझ में आया कि अच्छा ये काटना होता है, तब तो उसने एक और बार काटा। फिर हॉस्पिटल 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 हॉस्पिटल, इतना कमोशन हो गया था वहाँ पर कि वो जहरीला टाइप का सांप है, तो फिर उसने तीसरी बार और काटा, तो फिर मैंने उसको सांप को बड़े प्यार से छोड़ दिया, और फिर वो हम हॉस्पिटल चले गए और हॉस्पिटल में पता चला कि ये अलग किस्म का सांप है, वो जो कंधारी जो क्रेट है, क्रेट है लेकिन ये वो वाला क्रेट नहीं है। तब फिर वापस आए और वो सांप यहीं पर था, तो हमने वो सांप को प्यार से वापस यहीं पे छोड़ दिया। अब आपकी तबीयत तो ठीक है, कैसी लग रही है आपको? हाँ तो बस वही है, ठीक है। तो हर एक सांप का एंटीवेनम ले चुका हूँ मैं, क्रेट का, वाइपर का, क्योंकि वो समझ में आता नहीं है कि ये जहरीला सांप है या नहीं, तो इसलिए उस सांप को हम हॉस्पिटल लेके चले गए प्यार से एहतियात से एकदम बच्चे की तरह। तो बताया गया कि ये चलो इसके ये सब ले लो, ये सब जो एक एक कंकॉक्शन होता है उनके पास के आई थिंक क्रेट का, वाइपर का, कोबरा का और एक और कोई सांप का, तो वो आपको ठोकते हैं वो, तो वो ले लिया एंटीवेनम और फिर 6 घंटे मुझे वहाँ पर रखा उन्होंने और ठीक ही था। वापस आया तो वो सांप उधर ही था, तो सांप को पकड़ लिया वापस से और उसको बहुत प्यार से छोड़ दिया। मेरी बहन काफ़ी डरी हुई थी, तो मैंने उसको वो सांप से दोस्ती हो गई, तो उसे एक फ़ोटोग्राफ लेके मैंने उसको छोड़ दिया। वो बेचारा भी एकदम घबरा के उसने काटा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, और बड़े एकदम शर्मा शर्मा के मैंने बेमुरबत है जो ठूस 3 बार काट लिया, जहाँ जहाँ आवाज़ आई उसको ऐसा लगा वाइब्रेशन ऐसे कि काटना ज़रूरी था, उसने काट लिया। लेकिन ये अच्छा है कि ये हॉस्पिटल काफ़ी इक्विप था, उनके पास हर सांप की एंटीवेनम था उनके पास, और यहाँ के हमारे विपिन कुमार साहब भी आ गए थे जो यहाँ के कमिश्नर पुलिस हैं, संदीप नायक भी जो यहाँ के MLA हैं वो भी आ गए थे, तो काफ़ी हेल्प हुआ। आपके फैमिली मेंबर्स भी कभी यहाँ प्रेजेंट हैं? जी, आपके डैडी जी, जी हाँ 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 नहीं हाँ तो डैडी ने पूछा क्या हुआ कि साहब जिंदा है, तो ऐसा हाँ टाइगर भी जिंदा है, सांप भी जिंदा है। हाँ तो ऐसे तो मारा वारा तो नहीं सांप को, सांप को मारा वारा तो ऐसे नहीं, बिल्कुल प्यार से वापस यहीं पे छोड़ दिया। तो ऐसे
नया साल भी आ रहा है तो किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं? बस कुछ नहीं, परिवार ही, जी हाँ परिवार ही यहाँ पर, बस और कोई है नहीं। और ये जो माहौल चल रहा है, ये जो नया जो क्या ओमिक्रॉन जो आया है, तो उसका एक सबको एहतियात रखना चाहिए। तो यहाँ पर जो पूरा परिवार यहाँ पर आया है उनका रैपिड टेस्ट कराया गया और सब यहाँ पर सेफ है। तो हम यहाँ पर हैं एक आध दो तीन चार पाँच दिन और उसके बाद काम पे लग जाएंगे। टाइगर की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और फिर अगला साल शुरू हो जाएगा। तो अगले साल में देखते हैं कि क्या क्या पिक्चरें आपको दें और क्या क्या करें, देखते हैं, सोचते हैं। फिल्म से याद आए कि कहीं ऐसी खबरें आई थी, आपसे जानना चाहूँगा कि राजा मौली साहब के साथ में आपके कुछ, आई डोंट नो, आप ही बता दीजिए। नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। अगर होगा तो ज़रूर, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं वो, लेकिन उनके फादर के साथ ज़रूर होगा जी। उन्होंने बजरंगी भाईजान की स्क्रिप्ट लिखी है, जो कि उन्होंने टाइटल दिया है पवन पुत्र भाईजान। तो वो जैसे वो कंप्लीट कर लेंगे और जैसे ये जो दो पिक्चरें होने वाली हैं, टाइगर कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद नो एंट्री शायद होगी और कभी ईद कभी दिवाली शायद होगी, तो ये दो पिक्चरें उसके बाद वो कर लेंगे जी। हेलो, जी न्यूज़ की टीम से आपको हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। एक क्वेश्चन आपको पूछना होगा, अभी आप 56 इयर्स के हो गए, आपका एजेंडा क्या है ये ईयर का? मतलब आपने क्या क्या प्लान किया सर? टाइगर 3 का तो मैंने नाम सुना है, शाहरुख खान सर के साथ आ रहे हैं, तो आपने और क्या क्या एजेंडा रखा है? टाइगर में भी आ रहे हैं दोनों और दोनों पठान में भी आ रहे हैं जी। तो वो पार्ट बाय पार्ट होगा, मतलब वो आने के बाद फिर ये टाइगर भी आएगा, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, ये टाइगर अभी आएगा, आई थिंक अगले दिसंबर तक आ जाना चाहिए जी। और पठान उसके शायद पहले आएगी और फिर शायद दोनों साथ आएंगे। सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरे तरफ से, वैसे बिग बॉस इतना ट्रेंड कर रहा है 15 आपका, तो आपको क्या लगता है कि 15 के कौन विनर हो सकते हैं? कोई आइडिया नहीं। करण कुंद्रा, प्रतीक सेजपाल, कोई आइडिया नहीं। अच्छा सलमान जी, क्योंकि आज आपका बर्थडे है, तो सबसे पहला विश अगर आपको बता सके आपकी तरफ से? सो सबसे पहला विश शायद उसी ने किया होगा जो कि सबसे करीब था वहाँ पर पड़ोस में, लेकिन सबसे पहला विश मुझे अपनी माँ को करना था और वो वहाँ पर पहुँचते काफ़ी मुझे वक्त लग गया, तो बस वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मम्मी यहाँ पर हैं, पूरा परिवार यहाँ पर हैं और अच्छा फील कर रहा है। सर जैसा जी आपको बर्थडे था, तो सबसे पहले गिफ्ट आपको किसने दिया? कौन है भाई ये? स्नेक भाई। हाँ, सबसे पहला गिफ्ट मुझे सांप ने दिया, तीन तीन किस दी उसने मुझे हाथ पर, उसके बाद भी ठसा नहीं। नहीं 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 नह